अरे कृष्णा, सारा बोझ अकेले ढो रहा है, अर्जुन कहाँ है? सो रहा है माँ। क्या ये भी कोई तरीका है? बड़ा भाई बैल की तरह जुता रहे और छोटा बेफिक्र सोता रहे। खैर अभी उठाती हूँ उसे कान पकड़कर। अरे माँ सोने दे उसे, आज उसकी छुट्टियों का आखिरी दिन है, कल शहर जाकर पढ़ाई में जुट जाएगा, फिर क्या नसीब होगी उसको आराम की नींद। बस बस बहुत सर चढ़ा रखा है तूने इसे। अर्जुन उठ, देख सूरज सर पर आया है और तू अब तक तान कर सो रहा है। उठ अर्जुन, अब उठ भी। उफ माँ, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। जिंदगी सपना नहीं हकीकत है, जिम्मेदारी है। अरे माँ अभी तो इसके खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिन है, तू चिंता मत कर, जिम्मेदारी संभालने के लिए तेरे इस बेटे के मजबूत कांधे हैं। अब छोड़िए कृष्ण अर्जुन की कथा, ला प्रसाद दे। ये ले। अरे माँ 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 मुझे पहले हाथ मुंह तो धो ले। अरे शेर भी कभी हाथ मुंह धोते हैं माँ। छू मत। आदाब माँ जी। क्यों किशन भैया, अर्जुन अकेले अकेले प्रसाद दबाए जा रहे हो? हाँ लाइए माँ जी, मेरा हिस्सा लाइए। ये ले असलम, तू भी ले। लेकिन इस बार प्रसाद से काम नहीं चलेगा, आज सर्किट हाउस में शहर से बड़े बड़े साहब लोग आ रहे हैं, आप दुआ कीजिए कि वो मेरे काम से खुश होकर फौरन तरक्की की सिफारिश कर दे। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो तुझे कलेक्टर बना जाएंगे, समझा? अब सुन, मैंने अनाज की बोरियां निकाल दी हैं, उन्हें बैलगाड़ी में डालकर दुकान तक पहुंचा देना, मैं शाम को रुपए लेने आ जाऊंगा। ठीक है, मगर इस बार अर्जुन को भी साथ लेके आना। क्यों? अरे मैं वहां जाके क्या करूंगा? हिसाब किताब, किशन भैया की गणित कमजोर है ना, इसलिए वो सेठ हमेशा 400-500 की टोपी पहना देता है इसे। लिखे पढ़े से पाला पड़ेगा तो बेईमानी तो नहीं कर सकेगा ना? तब तो मैं जरूर आऊंगा। क्यों भैया? बिल्कुल, कृष्ण अर्जुन जब साथ हो हर दुश्मन की मात हो। मैं हूँ कृष्णा तो अर्जुन, दोनों गाए प्यार की धुन। मैं हूँ कृष्णा तो अर्जुन, दोनों गाए प्यार की धुन। साथ हमारा छूटे ना रहे संग संग हम और तुम। तुम हो कृष्णा मैं अर्जुन, दोनों गाए प्यार की धुन। तुम हो कृष्णा मैं अर्जुन, दोनों गाए प्यार की धुन। हर मुश्किल आसान हो जब रहे संग संग हम और तुम। मैं हूँ कृष्णा तू अर्जुन, दोनों गाए प्यार की धुन। हो जन्म जन्म से है तेरा मेरा नाता, तुम मेरे भाई हो तुम ही मेरे लिए दाता। तू मेरा जीवन है, बिना तुझे देखे मुझे चैन नहीं आता। चलता ही रहे यूं ही प्यार का सिलसिला, हर पल में तो रब से मांगता हूँ दुआ। चलता ही रहे यूं ही प्यार का सिलसिला, हर पल में तो रब से मांगता हूँ दुआ। एक दूजे के दिल में यूं सदा बसे हम तुम। मैं हूँ कृष्णा तू अर्जुन, दोनों गाए प्यार की धुन। ओ शंभू, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा दीदी। नमस्ते मास्टरनी जी, कहाँ चल दें आप? स्कूल का टाइम खत्म तो प्राइवेट ट्यूशन का टाइम शुरू। सुना है आजकल स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है, पहला पाठ हमें भी पढ़ा दो ना। ये क्या कर रहे हैं आप छोटे ठाकुर, छोड़ दीजिए मुझे।
अरे छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? तुम्हें शर्म आ रही है तो कहो तो मैं ही तुम्हें पहला पाठ पढ़ा। छोड़ दीजिए ना छोटे ठाकुर, क्यों बिचारी को परेशान कर रहे हो? कहो तो तेरी बेटी उठवा लूं सरपंच। नहीं हाँ तो साथियों, सबसे पहले मैं तुम्हें औरत के अंग अंग समझाता हूँ, और ये रसीले होंठ, और ये है मर्द का हाथ, और ये साले जूता लात। अबे सालो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा हूँ, मारो साले को। इंस्पेक्टर चतुर्सेन चौबे के रहते हुए बलवा क्या रे? ये सब ठाकुर के इस पिल्ले और इसके चमचों ने शुरू किया है। ये मेरा जी की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे थे। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। मास्टरनी फिसल कर गिरने वाली थी, मैंने इसे संभाला। इस अफरा तफरी में इसका पल्लू मेरे हाथ में आ गया, इसने गलत समझा और बस बात का बतंगड़ी बना दी। ये झूठ बोल रहे हैं दरोगा जी, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और छेड़खानी की। ओ अच्छा, कैसे की छेड़खानी? यहाँ या यहाँ? ये क्या बेहुदा तरीका है सवाल करने का? सवाल नहीं करेंगे, छानबीन नहीं करेंगे तो FIR कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबूत और गवाह की जरूरत होती है। हे गांव वालों, क्या तुम में से किसी ने छोटे ठाकुर को मास्टरनी जी के साथ छेड़खानी करते हुए देखा? अरे इनसे क्या पूछते हो, ये क्या बोलेंगे ठाकुर के पिल्ले के खिलाफ? इन बिचारों के जबान पर ठाकुर के कर्ज का ताला लगा हुआ है। मुझसे पूछो, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी क्योंकि तुम भी बलवे में शामिल थे रे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम भी ठाकुर के खरीदे हुए गुलाम हो? ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर इल्जाम लगाते हो, इंस्पेक्टर चतुर्सेन चौबे को बेईमान कहते हो। अभी अंदर कर दूंगा साले। रुक जाइए दरोगा जी, गलती मेरी ही थी। ना मैं छोटे ठाकुर को गलत समझती, ना बात यहाँ तक पहुँचती। ये आप क्या कह रही हैं? ये सच है, मैं गिरने लगी थी तो छोटे ठाकुर ने मुझे संभाला, मैंने ही उन्हें गलत समझा। आइंदा अगर कभी किसी शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना कृष्णा? आओ छोटे ठाकुर आ जा। मेरा जी, ये क्या किया आपने? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ ना बोलती तो दरोगा जी आपको झूठे केस में फंसा कर बंद कर देते। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। क्यों बे हराम खोर, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। तूने हमारे आदमियों को अनाज उठाने से रोका। सरकार, बच्चों की भूख सही नहीं हुई, बस यही मेरी भूल थी। भूल? खाई हुई मार और लिया हुआ उधार कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम गांव वालों की जमीन जायदाद खून पसीना अनाज सब इस हवेली का है, और जब तक असल सूद समेत वसूल नहीं हो जाता तुम्हारी फसल का एक एक दाना हमारा है। सरकार मुझे माफ कर दीजिए, सरकार मुझे माफ कर दीजिए। सरकार काली जी दादा, ले जाए इस हराम खोर को गांव के चौराहे पर और इतने कोड़े मार के कोई गिन भी ना सके। उड़ा ला इसके नाच के सारे बोरे। नहीं मालिक, नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मेरे बच्चों में रहम कीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जय हो, जय हो ठाकुर साहब, जय हो। आइए जटाशंकर जी, बहुत दिनों के बाद आपके दीदार हुए। सो तो है, आपका दरबार और आपकी जमींदारी का फलता फूलता रूप जे देखकर आत्मा प्रसन्न होवे है।
यस सोल हैप्पी। जटाशंकर जी, ये जो ठकुराई है ना, ये शेर की सवारी करने के बराबर है। जरा सा चूक कर गिरे तो समझिए शेर आपको निकल गया। शेर की सवारी तो हम भी किया करते हैं ठाकुर साहब, मगर शेर की क्या मजाल जो हमें निकलने का ख्याल भी करें। जान नहीं ले लेंगे उसके। आपकी तारीफ। जे लो ठाकुर साहब, ये राणा साहब है। जैसे आप गांव की धरती पर एक छत्र छाए हैं, वैसे ही जैसे शहर में छत्रराज कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में आई कि अगर दोनों दिग्गजों को आपस में मिलवा दें तो मिट्टी भी सोना हो जाए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तशरीफ रखिए, बैठिए। आइए। सेवक राम, चूना लगा? जी अभी लगाया सरकार। हाँ तो राणा साहब सुनाइए, ये मिट्टी को सोना बनाने वाली बात क्या है? ठाकुर साहब, आजकल सरकार स्टेट में इंडस्ट्रीज बनाने की बड़ी सहूलतें दे रही, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जमीनों के दाम आसमान को छूने लगे। अगर हम इस गांव के आसपास की जमीनें इंडस्ट्रियल जोन में बदल दें तो हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। लेकिन यह नामुमकिन है, ये सारी जमीन खेती बाड़ी की है, इसे सरकार इंडस्ट्रियल जोन में बदलने की इजाजत नहीं देगी। तो फिर हम किस मर्ज की दवा है? 2 महीने के बाद इलेक्शन हुआ है और पार्टी ने हमें इसी कंस्टिट्यूएंसी से टिकट देने का फैसला भी कर लिया है। राणा साहब ने इलेक्शन का पूरा खर्चा अपने ऊपर ले लिया है। अब बस आप ठाकुर साहब अपनी ठकराई के दबदबे से हमें ये इलेक्शन जितवाई दें। सरकार से जमीन का क्लासिफिकेशन बदलवाना हमारा बाएं हाथ का खेल है, और उसके बाद गांव वालों की जमीन को हथियाना आपका जिम्मा है। इस काम में जो भी मुनाफा होगा हम तीनों के बीच बराबर के हिस्सों में बांट लिया जाएगा। आइए, है मंजूर? मंजूर है। चूना लग गया सरकार। अरे जे हुई ना बात। मैं उस ससरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गोली मार दूंगा उस हरामजादे को। अरे गुस्सा थूक दीजिए, भूल जाइए सब कुछ छोटे ठाकुर। हरगिज नहीं। क्या हुआ बेटे, किसे गोली मारने पर तुला हुआ है? वो हरामजादा कृष्ण प्रसाद यादव डैडी। क्या हुआ? होना क्या हुजूर, वो ऐसा है कि छोटे ठाकुर का दिल वो विधवा मास्टरनी के ऊपर मचल उठा। इतने में वो ससुर कृष्णा भी वहाँ पहुँचा, लगा मारपीट करने। वो तो अच्छा हुआ कि हम वहाँ पे पहुँच गए, वरना पता नहीं क्या होता हुजूर। उस कुत्ते की ये मजाल। बिल्लू हमारा बेटा है। काली। जी दादा। ले जाओ अपने आदमियों को और तोड़ दो उस कुत्ते के हाथ पाँव, और उस मास्टरनी को भी उठा कर ले आओ। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप क्या गजब गा रहे हैं। वैसे भी इलेक्शन सर पे, ऐसे समय में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारी लुटिया ही डुबो दे। वैसे जवान बेटे को खुली छूट देना अच्छी बात नहीं है। जटाशंकर ठीक कह रहा है ठाकुर साहब, ख्याल रहे। इस इलेक्शन में हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपके बेटे के छिछोरेपन की वजह से हमारा भारी नुकसान हो जाए। अरे आप लोग खामखा राई का पहाड़ बना रहे हैं। वैसे भी अब हमें बिल्लू के मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर के कॉलेज में जा रहा है। हाय अर्जुन। अरे हाय गुरु, कैसे हो? फाइटिंग फिट। तुम गांव से कब आए? आज सवेरे आया यार, बस हॉस्टल में सामान पटका और चला आया। अरे यार वो रॉकी रंगीला नहीं दिखाई देते? वो दोनों तो हमेशा की तरह सूरज के क्लास के बाहर रंग जमा रहे होंगे। सूजी, how boring यार। फिर वही क्लासेस और वही लेक्चर्स और वही पुरानी पुरानी सूटें, वो भी बेरंगी। सुनो, ये तुम अपनी तारीफ कर रही हो ना? Very good। अब अपने ये बेरंगी फेस लेके यहाँ से निकल जाओ और हमें कोई ढंग की बात करने दो। Hi darling juicy। रॉकी तुमको कितनी बार समझाया, मेरा नाम सूजी है, सूजी। ये हमारा नहीं तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस का कसूर है। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल फुटबॉल की तरह उछलने लगता है, गला सूखने लगता है, प्यार की प्यास बढ़ने लगती है, दिल धड़कता है, रात को नींद नहीं आती माँ बाप, बस जबान पर एक ही नाम चूसी चूसी। तुम्हें मेरा रोमियो एंटिक फेस देखकर ऐसा लगता है तुम ना? हमको चूसा हुआ आम के माफिक लगता है, दैट्स ऑल। चूसा हुआ आम नहीं सूजी, सुखड़ा हुआ आम। पिछले 5 साल से एक ही क्लास में फेल होकर 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 इसकी हालत किसी पेड़ पे लटके हुए बेमौसमी आम की तरह हो गई है, ना इसमें रस बाकी है ना ही मिठास। अबे सड़े हुए करेले, कुत्ते की दूम तू सुधरेगा नहीं। एक केले के छिलके से तेरा एक साइड खराब हो गया है, दूसरे छिलके पे आएगा ना तो ये साइड से भी निकल जाएगा। अबे अगर मैं पास हो गया ना तो कॉलेज खत्म, दूसरे से मिलना खत्म, लास्ट में रोमांस खत्म, समझे?
लेकिन नहीं, अगर मैं पास हो गया ना तो जूसी को साथ लेके जाऊंगा। इसे कहते हैं ट्रू लव में सैक्रिफाइस, यू अंडरस्टैंड? टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड। लेकिन तुम तो हमारा कॉलेज को ज्वाइन करने से पहला भी 2 साल फेल हुआ था। चुपे, वो तो तुम्हारा कॉलेज ज्वाइन करने के इंतजार में होता डार्लिंग। हाँ, अरे तू सारी जिंदगी इंतजार करता रहेगा ना तो भी सूजी तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। क्यों सूजी डाली, ठीक कहा ना मैंने? तो आज शाम को पिक्चर चले? मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। हरगिज नहीं। जूसी अगर पिक्चर देखने जाएगी तो मेरे साथ, तू जैसे अनाड़ी के साथ नहीं, मुझ जैसे खिलाड़ी के साथ, सबसे बड़ा खिलाड़ी। मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी। मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी। अरे अब तो झगड़ना बंद करो अनाड़ियों, खिलाड़ी कब की निकल गई? चली गई? तू कब आ रहे? जब तुम दोनों पागल कुत्तों की तरह सूजी के लिए लड़ रहे थे। अरे मजनू की छठी औलाद हो, अब तो जरा सुधर जाओ। तू हमारी फिक्र छोड़, तू कैसा है रे? हाँ, कैसा है तू? कैसा है, कैसे तू? तेरी आदमी सूख के काटा हो गया हूँ यार। यू नो आवर कंट्री इज पुअर कंट्री, नॉट वेरी मच पुअर, बट यहाँ फूड प्रॉब्लम है, ब्रेकफास्ट प्रॉब्लम है, कैंटीन में उधार का प्रॉब्लम है। यस माय डियर फाइनेंस मिनिस्टर, दाता के नाम पर बजट सैंक्शन कर दे, जेब में सिर्फ 54 बची है। जेब में सिर्फ 54 बची है, और चले सूजी को पिक्चर दिखाने, इश्क लड़ाने। इश्क, इश्क, इश्क। अरे यार इश्क के नाम से याद आया, पूनम कैसी है, कहाँ है वो? मत पूछ यार, पूनम तो गुस्से से आग बबूला हो गई है, ज्वालामुखी हो गई है, तुझे देखते ही भस्म कर देगी। मतलब के सामने जाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी बहुत ज्यादा। जो जुटाना है जुटा ले दोस्त, मोहब्बत का तूफान अपनी फुल स्पीड पर इसी तरफ आ रहा है। तू तो मरेगा ही, मरने से पहले तेरा सब कुछ मेरे नाम पे कर देना बाबा। यार कम से कम नाश्ते के लिए 20 रुपया तो देता जा। लगता है तुम दोनों मुझे दहेज में एडवांस मिले हो। सरकार के बच्चे दिए तेरा खून पिए। हाय पूनम, अरे कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। नाराज हो क्या? तुम्हें इससे क्या, तुम तो गांव में छुट्टियां मना है ना? तो जाना ही पड़ा ना यार, माँ और भाई के लिए। तो वही रहते, वापस आने की क्या जरूरत? अरे वापस भी तो आना ही था ना तुम्हारे लिए। जानती हो गांव में मैं 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। बंद करो अपनी ये चोंचले, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी कि 1.5 महीने में मुझे एक खत भी नहीं लिख सके। खत? ओह लेटर, यू मीन लव लेटर? वेरी डेंजरस बाबा, अगर वो लेटर तुम्हारे माँ बाप के हाथ लग जाता तो? हद से हद क्या होता, तुम्हारे हाथ पांव टूट जाते। क्या 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 यार में वार? ना बाबा ना रे ना, मुझे टूटा फूटा आशिक बनने का कोई शौक नहीं। नो लैला मजनू फॉर मी प्लीज। बस यही है तुम्हारी मोहब्बत? अरे लोग तो प्यार में मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, और तुम सिर्फ हाथ पांव तोड़वाने से डरते हो? क्या खास मोहब्बत करते हो मुझसे? अरे अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना बुनना, आज से तुम्हारी मेरी बातचीत बंद, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ये तुमने बहुत सही फैसला किया पूनम, वैसे भी तुम्हारी जगह इस फटीचर कंगाल के पास नहीं, हमारी बाहों में। शट अप। अबे ये गांव नहीं कि तेरे बाप के पालतू कुत्ते तुझे बचाने आएंगे। ऐसी पिटाई करूंगा साले के, तू तो क्या, तेरी औलाद भी गंजी पैदा होगी। तेरी तो। प्रिंसिपल साहब, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कॉलेज। अरे भाई बेल बजने ही वाली है, डोंट वेस्ट टाइम, अपनी अपनी क्लास में जाओ। और हाँ पूनम, तुम मेरे साथ आओ, इस साल के डांस ट्रूप के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। yes, आओ कम ऑन। लगता है इस कॉलेज में सभी को कबाब में हड्डी बनने का शौक है। चलो अब पूनम को कॉलेज के बाद ही मनाना पड़ेगा। नमस्ते मेरा जी। नमस्ते। मंदिर जा रही? जी हाँ। आज भगवान से क्या मांगने का इरादा है? वही जो हमेशा से मांगती आई हूँ, कि बाकी की जिंदगी भी इज्जत से कट जाए। वैसे आजकल के जमाने में मुश्किल काम है। मुश्किल काम तो आप कर रहे हैं बरसों से। ये बताइए कि जिस गांव के लोग अपने बच्चों को मुफ्त स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते, वहां आपको अपने भाई को कॉलेज तक पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? दरअसल ये मेरे बाबूजी का सपना था कि हम दोनों भाई खूब पढ़ लिख कर अपने ज्ञान की रोशनी से सारे गांव को उजागर करें, लेकिन अचानक उनका स्वर्गवास हो गया और सारे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने सोचा बैल और खेत मेरे हिस्से में ही सही, मैं अर्जुन को पढ़ा लिखा कर बाबूजी का सपना अब भी पूरा कर सकता हूँ, और यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। मंदिर आ गया, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको आपके मकसद में जरूर कामयाब करें। नमस्ते। नमस्ते। अरे असलम, इस वक्त तुम यहाँ?
कौन है ये लोग? इनसे मिलो किशन भैया, ये है नवीन चंद्र शाह। इस बार इलेक्शन में ठाकुर के उम्मीदवार जटाशंकर त्रिपाठी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आत्मा प्रसन्न हुई आपसे मिलकर, बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। अरे बैठिए ना आप लोग। धन्यवाद। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? आप गांव के सज्जन और सम्मानजनक व्यक्ति हैं, चुनाव में आप जैसे लोगों के समर्थन के बगैर हम तो बिल्कुल अधूरे हैं। हर नेता पहले यही कहता है और चुनाव पूरा होते ही पहचानने से इनकार करता है। पिछली बार जिस नेता का हमने साथ दिया उसने मेरा तो क्या सारे गांव के भरोसे का खून कर दिया और ठाकुर के हाथों जा भी कहा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि चुनाव और चुनाव वालों की बातों में मैं नहीं आऊंगा। परंतु अन्याय और अत्याचार के विरोध में खड़ा होना आपका धर्म है, कर्तव्य है। दुख तो यही है कि हम लोग हमेशा अपना कर्तव्य निभाते आए हैं, लेकिन इलेक्शन जीतते ही नेता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। देखिए श्रीमान जी, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए फिर जवाब दीजिए। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। जटाशंकर जी, अगर कृष्णा हमारे विरोधियों से जा मिला तो इलेक्शन के दिन हमें गांव वालों के साथ अपनी मनमानी नहीं करने देगा और यह बात हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है। ठाकुर साहब, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये न्यायवतार है कौन। आप तो ये कृष्णमा से ऐसे घबरा रहे हैं जैसे वो द्वारका जी से सीधे टिकट कटवा के आवा है हमारा पासा पलटने के लिए। बस यूं ही समझिए, कृष्णा उस मशहूर क्रांतिकारी रमन प्रसाद यादव का बेटा है। कौन? वो स्वतंत्रता सेनानी जिसका सरकार भारत रत्न से पुरस्कारित किए रहे? जी हाँ, वही। उन्हें गुजरे हुए तो बरसों बीत गए लेकिन आज भी गांव वाले उस खानदान की बहुत इज्जत करते हैं और आज भी उस परिवार का कहा मानते हैं। ठाकुर साहब, ये बात जरूरी तो नहीं कि होनहार बाप का बेटा भी होनहार ही हो। वो ससुरा लुच्चा लफंगा बदमाश भी तो हो सकता है कि नहीं? क्या मतलब? मतलब ये ठाकुर साहब की देवताओं की भी कमजोरियां होती हैं। ये तो सत्र मानव ही है, उकी कोई ऐसी कमजोरी तो होगी ही जिसका हम फायदा उठा के उकी नेकनामी को बदनामी में बदल सकते हैं। कोई लत, कोई आदत, कोई औरत है? औरत? कृष्णा की ऐसी तो कोई कमजोरी नहीं है जटाशंकर जी, पर बहुत जल्दी बना दी जाएगी एक बहुत ही खूबसूरत मगर खतरनाक कमजोरी। बहुत अच्छे भाई, वाह क्या खूब तमाशा है। कैसा तमाशा? गांव वालों, बहुत सुनी होंगी तुमने सतयुग की मीरा की प्रेम कहानियां। उस बेचारी के लिए तो अपने कृष्णा के ध्यान में मगन रहना ही काफी था, मगर ये देखो, ये देखो, कलयुग के कृष्णा और मीरा की रास लीला को खुल्लम खुल्ला सरेआम बेशर्मी से। ये क्या बकवास है? मीरा जी ठोकर खाकर गिरने लगी थी, मैंने सिर्फ उन्हें संभालने के लिए हाथ बढ़ाया था और कुछ नहीं। अरे जो खुद गिरा हो वो किसी और को क्या संभालेगा। वैसे सारे गांव में तुम्हारे आंख मटक्के का चर्चा है कृष्णा। राम 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 राम, खुल्लम खुल्ला रासलीला, वो भी विधवा के साथ, धुतकार। ये हमारे धर्म का अपमान है। हाँ हाँ ठाकुर साहब ठीक कहते हैं, ये हमारे धर्म का अपमान है। और अपमान? धर्म? तब आप लोगों का धर्म कहाँ सो रहा था जब इसकी शादी एक 60 साल के अय्याश बुड्ढे के साथ कर दी थी? तब आप लोगों का धर्म कहाँ सो रहा था जब इसके पति की मौत के बाद इसे मदद और सहारे की जरूरत थी? तब आप लोगों का धर्म कहाँ सो रहा था जब ठाकुर का बेटा सरेआम इसकी इज्जत पर हाथ डाल रहा था? ये झूठ है, इसने खुद गांव वालों के सामने कबूल किया था कि वो इसकी भूल थी। दूसरों पर कीचड़ उछाल कर तुम अपने पाप का दाग नहीं धो सकते कृष्णा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाप ने अपनी जान दी देश को आजाद कराने के लिए, देश की सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए, और आज उनकी औलाद होकर तुम इन सब बातों से खिलवाड़ कर रहे हो। गांव वालों, क्या हम ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, नहीं। ऐसे आदमी के कहने पर आप लोग अपने भविष्य का फैसला कर सकते हैं? नहीं, 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 नहीं। क्या आप लोग ऐसी गिरी हुई औरत के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजोगे? नहीं, नहीं, नहीं। ये पापी है, अधर्मी है, निर्लज है, निर्लज। अगर ये अधर्म बंद न हुआ तो निकाल दो इन्हें गांव से। विधवा का और कपूत वैश्य करते, साहब का लगता
वाह ठाकुर साहब वाह, आपने तो इस देश की जनता की दुखती रग पर हाथ धरा है। बस इनसे इतना कहो तुम्हारा धर्म खतरा माँ है, जो जी चाहे करवा लो। बिल्कुल, खून खराबा दंगा लूट धर्म के नाम पे सब जायज है जी। हमें ये सिलसिला यूं ही जारी रखना पड़ेगा जब तक इस बदनामी के डर से हमारे विरोधी खुद कृष्णा को चुनाव के मैदान से बाहर ना फेंक दें। फिर देखना इलेक्शन के दिन हम क्या गुल खिलाते हैं। अरे बहुत बहुत बधाई हो जटा शंकर जी, बहुत बहुत बधाई हो। गार्लैंड फॉर मी, थैंक यू थैंक यू। अरे तुम्हारे लिए नहीं है ये तो जटा शंकर जी के लिए है। बधाई हो बधाई हो। धन्यवाद दरोगा जी। अरे ओ लौंडे, दरोगा जी का मुंह मीठा करा। खास मौके के लिए तो खास मिठाई होनी चाहिए। जो हमारी जायदाद सही है तो हम तुम्हें अच्छी भांति पहचान गए, तुम असलम हो ना? जी हाँ साहब, वो इलेक्शन के दौरान जो जो बीत गई सो बीत गई जी। इलेक्शन ससुर का परपंच वहाँ ही ऐसा है, भाई भाई को बिड़ा देता है। बोला वो किशनवा से अपना का बैर हाँ, इलेक्शन वहाँ खत्म, घमासान खत्म। उनको हमारा एक संदेशा देना, कोनो चीज की जरूरत पड़े तो जान हाजिर, किसी भी वक्त चले आना। नमस्ते जटा शंकर जी। आइए 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 ठाकुर साहब। जय हो प्रभु जय हो। जी लाई। इलेक्शन की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। काहे लज्जित करते हो ठाकुर साहब, ये विजय हमारे अकेले की तो नहीं है, आप और राणा साहब भी शामिल हैं। अगर आप धक्याते नहीं तो हम ये इलेक्शन में कैसे जीतते भला। बिल्कुल। सेवकराम ठाकुर साहब के लिए कुछ पेश करो। जी अभी लाया। जटा शंकर जी, ये असलम जो अभी गया है, ख्याल रहे कृष्णा का खास है, दुश्मनों को इतने करीब रखना खतरनाक साबित हो सकता है। ठाकुर साहब जलेबी देखी है ना, हम सीधे हैं परंतु जलेबी की तरह, हमारी पॉलिसी है मित्र को तो पास रखो ही रखो परंतु शत्रु को आंखों के सामने और पास कर छोड़िए। जे सब मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, राजधानी से बुलावा आया है, जानते हैं क्यों? नहीं तो क्यों? अरे देश को आगे ले जाने के लिए, अब हम नई सरकार का मंत्री होऊंगा और जौन दिन शपथ ग्रहण करूंगा उसी दिन सरकार से इंडस्ट्रियल जोनवा के कागज नत्थी करवा लूंगा। बस अब आप तैयारी शुरू कर दो। यस, हिम वेयर गार्लैंड, नाउ यू ग्रैब लैंड। ठीक है, हम कल ही से तैयारी शुरू कर देते। ये हुई ना बात। कृष्णा यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। यूं ही क्या, कई दिनों से देख रही हूँ तू चुपचाप उदास बैठा रहता है, इसकी वजह कहीं मेरा से मोहब्बत तो नहीं? अरे नहीं माँ, तू भी क्या क्या सोचती रहती है। मैं तो मीरा जी की इज्जत करता हूँ और उनकी इस बदनामी ने मुझे एक अजीब सी परेशानी में डाल रखा है। ये परेशानी दूर करने की एक ही तरकीब है, मीरा से शादी कर ले। अरे माँ ये नामुमकिन है, और तू अच्छी तरह जानती है कि जमीन की आमदनी से हम बड़ी मुश्किल से अर्जुन की पढ़ाई का खर्च और घर का गुजारा कर पाते हैं, और वैसे भी शादी प्यार का बंधन है, कोई मजबूरी नहीं। फिर तो मीरा को इस बदनामी से कोई नहीं बचा सकता, उसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। मीरा जी देखिए, भाग्य के लेख को बदलना हम दोनों के बस में नहीं, और मीरा के भाग्य में कृष्णा का प्रेम नहीं, सिर्फ दर्द और रुसवाई है। देखिए मीरा जी, आप शर्मी की जहाँ देखो मुँह काला करते फिर रहे बेहया कहीं के। अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं, सारे गांव के सामने नाक कट गई फिर भी चैन नहीं आया, निर्लज कहीं की। बंद करो ये बकवास। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पे, भगवान के लिए मुझे चैन से जीने दीजिए। अरे रंगीला, अबे अंदर कैसे हो गया क्या, अबे जल्दी बाहर निकल, बेचैनी बढ़ती जा रही है बे। पढ़ने दे,
तू है ही बेचैन घड़ी की औलाद। अब तो चैन के साथ लेने दे रहे, ओनली वन, जस्ट फॉर वन सीट रे। वन सीट, वन कंडीशन। अबे तेरी कंडीशन में मेरी बैड कंडीशन हो रही ना यार, और तब तक होती रहेगी जब तक तू आज शाम को मुझे सूजी के साथ सैर करने की इजाजत नहीं देगा। हर की दे दूंगा। तो सरदार है बाहर, कर दे पैंट पीली। अरे अरे भाई। अबे ओ रॉकी, क्यों हाथी की तरह चिंगार रहा है? आज टेस्ट है यार, पढ़ने दे। अबे तैबूर लंग की औलाद, बाहर निकल, मुझे तेरी शर्त मंजूर है रे, बाहर निकल। क्यों हो गई ना डिब्री टाइट? तेरे को जलाब दे दिया, मेरा भी नाम नहीं। अबे अपने किए करावे पानी तो फेरता, नाक के बाल जला दिए। अर्जुन सिंह, मनी ऑर्डर साइन करो। मनी ऑर्डर। हरी हरी हरियाली, आली रे भाई आली। यार अर्जुन, आज मुझे लगता है मैं भगवान से और कुछ मांगता ना तो वो भी मुझे मिल जाता। देखना, वहाँ रॉकी ने मुझे सूजी के साथ घूमने की इजाजत दे दी और यहाँ तुम्हारा मनी ऑर्डर आ गया। तो अरे एक एक 100 के पत्ते का सवाल है यार, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैंने कोई धर्म खाता है टकसाल नहीं खोल रखा है। जब देखो हाथ पसार के चले आते हो भीख मांगने, कभी तुम कभी वो। अरे यार सूजी से रोमांस तुम लोग लड़ाओ तो मैं उसका खर्चा क्यों दूंगा? जानते हो हर महीने जितने रुपए मैं सूजी पे खर्च करता हूँ उतने शायद पूनम पर भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज से उस नालायक रॉकी को पैसे देना एकदम बंद। इसी बात पर निकाल 100 का पत्ता। हरगिज़ नहीं। अर्जुन, मैं इस लुच्छे लफंगे रंगीला की आदत से धोखा खाना नहीं दूंगा। चल चलते उस कोने में। ए भिखारी हट हट। तो ये जो 100 रुपए बचाए हैं ना, दोनों आधा आधा ले लेते हैं, इसमें तेरा ही फायदा है। ए, कौन से 100 रुपए? वही जो निकम्मे रंगीला को देने वाले थे तुम। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा भाई मुझे पैसे भेजता है मेरी पढ़ाई के लिए, तुम लोगों की फिजूल खर्ची के लिए नहीं। एग्जैक्टली exactly. यही बात रंगीला को समझा दे, जूसी में फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है, जूसी मुझसे प्यार करती है। देख मेरे को 50 रुपए दे दे, आज शाम को सिनेमा दिखाने ले जाऊंगा। हरगिज नहीं। सर सिनेमा। सर सिनेमा। सर सिनेमा। सर सिनेमा। सर सिनेमा। तुम दोनों को जितनी लड़ाई करनी है कर लो, मगर मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। आज शाम को मैं और पूनम कॉफी पीने जाएंगे। अकेले? देख यार इतनी खुदगर्दी अच्छी नहीं है। हाँ हमें भी साथ ले लो। क्या कंजूसी यार, हम तेरे दोस्त हैं यार। हाँ सगे दोस्त। ठीक है बाबा ठीक है, तुम लोग भी चलना। अर्जुन मेरा यार दानी है। अर्जुन मेरा यार अंतर्यामी है। क्यों सूजी, तुमने अभी तक इन दोनों में से किसी को चुना के नहीं? हाँ सूजी सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ शायद। ये मरेगा तो तुम रोगी? यस ऑफ कोर्स। सच बताओ कितना रोगी तुम? पहले तुम मर कर तो बताओ। और अगर कोई परेशानी हो तो हमारा रॉकी तैयार है इस शुभ काम के लिए। एवर रेडी यार। फिलहाल तो ये रेडी स्नैक्स लेते हैं। ये लो सुशी डाली, ये मैंने खास तुम्हारे लिए मंगाया है, चीज पकौड़ा। चीज पकौड़ा, ये भी कोई खाने की चीज है? ये लो चिकन सैंडविच माय डार्लिंग। अरे मुर्गा ही काटना है तो ये रूखे सूखे सैंडविच क्यों? सुशी डालिंग ये लो चिकन पैटीज। पैटीज? इससे तो बढ़िया है पेस्ट्री, गर्मा गर्म कॉफी के साथ। नहीं नहीं, कॉफी में कैफीन होता है, सेहत के लिए नुकसानमंद होता है। सूजी डार्लिंग तुम चाय पीना। कॉफी चाय। कॉफी चाय। कॉफी चाय। कॉफी चाय। कॉफी चाय। स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। तुम दोनों में से कोई मरेगा कि नहीं ये हमको नहीं मालूम, मगर तुम दोनों के इस प्यार के लफड़ा में हम भूख से जरूर मर जाएगा, हमको ये नक्कीच मालूम। नो जूसी नो, यू कांट डाई, तुम नहीं मर सकती जूसी। सोच लो सूजी, ये प्यार का चक्कर है, अगर दो नाव पर पांव रखोगी तो कहीं के नहीं रहोगे। बिल्कुल ठीक, हम भी तो तुमको यही समझाने की कोशिश करते रहते हैं जाने मन। अगर इन भूखे नंगों की कंपनी में रहोगी तो बहुत पछताओगी। अगर जिंदगी का असली मजा लेना है तो आओ हमारे साथ। नो थैंक यू, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। सुनिया फैसला, हमारी शाम का मजा बर्बाद मत करो, जाओ यहां से। यार सरजू, हाँ? तुम्हें यहाँ कहीं से गोबर की बदबू आ रही है क्या? आ तो रही है बिल्लू, लेकिन ये बदबू आ कहाँ से रही है उस्ताद? इस घटिया किसान के कपड़ों से। हे मैनेजर। आया हुजूर। यस सर। तुम्हारा ये रेस्टोरेंट ए ग्रेड है ना? ए ग्रेड प्लस सर। तो फिर यहाँ सी ग्रेड लोगों का क्या काम? बिल्कुल ठीक कहा मैनेजर, इन सी ग्रेड लफंगों को धक्के देकर बाहर निकालो प्लीज। तेरी ये मजाल साले। Oh!
प्लीज कम। कॉफी चाय, कॉफी चाय, कॉफी चाय। पुलिस भागो। पूनम इस तरफ। मिस्टर तुमने फोन किया था? यस सर। वो लोग कहां गए तोड़फोड़ करने वाले? वो आपके आने तक क्या फोटो खिंचाने के लिए रुकते? भाग गए साले मेरे होटल का बैंड बजाकर। अरे बाबा थैंक गॉड बच निकले। अगर पुलिस हमें पकड़ लेती तो मुश्किल हो जाती। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि उनके आने से रॉकी, रंगीला और सूजी से छुटकारा मिला और मुझे ये शाम तुम्हारे साथ अकेले बिताने का मौका मिला। अच्छा जी, तो जनाब बाकी शाम मेरे साथ तन्हाई में गुजारना चाहते थे जी? पूछ सकती हूँ क्यों भला? बता दूं? बता दूं? देखा
लगा दी अगन। धीरे धीरे तन झूमती है खुशबू में डूबी पवन, अनदेखा अनजाना आया कैसा दिल ये सुहाना, तुम सामने हो दिल गीत मेरा गाने लगा गाने लगा। गांव वालों, हमने ये बताने के लिए आपको बुलाया है कि फसलों की पैदावार से ना तो हमें कोई खास आमदनी हो रही है और ना ही आप लोगों को। इस आमदनी से कर्ज की रकम चुकाना तो दूर, आप सूद भी नहीं चुका पा रहे। नतीजा यह हो रहा है कि सूद की रकम आपकी जमीनों की कीमत से कई गुना बढ़ गई है, इसलिए यह घाटे का काम करना सरासर हिमाकत है। तो हमने यह फैसला किया है कि इस साल से फसलों का बोना बिल्कुल बंद। लेकिन ठाकुर साहब, काश्तकार खाएंगे क्या? ये लोग तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। नहीं सरपंच, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने यहां एक से बढ़कर एक फैक्ट्रियां और कारखाने लगाने का फैसला किया है। गांव में तरक्की होगी तो गांव वालों की पुश्तों तक के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन सरकार, ये सब के लिए तो बरसों निकल जाएंगे, तब तक हम लोग खाएंगे क्या? इसका भी ख्याल है। हमने तुम सबको तुम्हारी जमीनों की कीमत के तौर पर 5,000 रुपए देने का फैसला किया है। सिर्फ 5,000? ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब, 5,000 रुपए तो बहुत कम है। तो जाने दो इन्हें कचहरी, करने दो इन्हें अपनी जमीनों का दावा, लेकिन याद रखो हिसाब के सारे कागजात हमारे पास हैं, जब वो खुलेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जमीनें तो जाएंगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में घर बार भी बिक जाएंगे। तब कोई भी हमारी रहमदिली को आवाज ना देना, तब हम इन्हें 5,000 रुपए तो क्या एक बूटी कौड़ी नहीं देंगे। बोलो क्या फैसला है तुम लोगों का? ठाकुर साहब, हमें आपका फैसला मंजूर है। तो एक एक करके आगे बढ़ो और लगाओ कागजात पर अंगूठा। ये हरिया, चल पहले तू आ जा। नहीं, मैं 5,000 में अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, मैं नहीं लगाऊंगा अंगूठा। काली जी दादा, जो अंगूठा हमारे काम ना आए उस अंगूठे का हरिया के हाथ पर क्या काम? काट दे उसे। नहीं, नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। ले जाओ इसे और फेंक दो बाहर, वरना इसका गंदा खून हमारा कालीन खराब कर देगा। है कोई और जिसे एतराज है? अगर है तो बोले, कोई नहीं तो एक एक करके आओ और लगाओ अंगूठा। कमाल है, क्या यह कम है कि रोजगार के चक्कर में हजारों किसान शहर की तरफ जा चुके हैं, धरती से अपना नाता तोड़ चुके हैं, और अब खेती बाड़ी की जमीन पर मिले और फैक्ट्रियां लगाकर आप और सरकार धरती से बाकी जुड़े लोगों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अरे भाई, तरक्की को कौन रोक सकता है?
ये मिलें, ये कारखाने सोना उगलेंगे सोना, सिर्फ अपने मालिकों के लिए। और वैसे भी ठाकुर साहब, इंसान को जिंदा रहने के लिए सोना नहीं अनाज चाहिए, और अगर ये खेत और किसान ही न रहे तो ये अनाज कहाँ से आएगा? सरकार के दिमाग में भूसा नहीं भरा है। सरकार जो कुछ भी कर रही है सोच समझ कर रही है। शारदा देवी, गांव वालों की सारी जमीनें हमने बहुत अच्छे दाम देकर खरीदी हैं। अब आप अपनी जमीन की कहिए, हम उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। और अगर आप चाहें तो उसके बदले हम आपको दूसरी जमीन। अगर हम इनकार करें तो क्या करेंगे आप? क्या हमारे अंगूठे भी कटवा देंगे? शारदा देवी, समझाइए इसे। पुराने गिले शिकवे भूलकर हम खुद चलकर आए हैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने। भलाई इसी में है कि आप अपनी जमीन हमें बेच दें। माफ कीजिए ठाकुर साहब, लेकिन वो जमीन हमारे लिए सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, मेरे पति की निशानी भी है, देश की आजादी के लिए उनकी कुर्बानी का इनाम। और इनाम बेचे या बदले नहीं जाते। सुन लिया ठाकुर साहब, वो जमीन हमारी माँ है और हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। आइए आइए ठाकुर साहब, आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। वेलकम राणा साहब, वेलकम। ठाकुर साहब, भाई आज हम आपको ऐसी खुशखबरी सुनाने वाले हैं कि अगर आप 21 तोपों की सलामी भी दोगे तो भी कम है। अच्छा, भाई क्या है वो? ठाकुर साहब, ये रहा सरकार का नोटिफिकेशन। इस इलाके की तमाम जमीनों को इंडस्ट्रियल बेल्ट का करार दे दिया गया है। हमने और जटाशंकर ने तो अपना काम कर दिया ठाकुर साहब। अब आप सुनाए, आपने इस इलाके की जमीनों पर अपना कब्जा किया या नहीं? हाँ, कब्जा तो कर लिया है, बस एक टुकड़ा बाकी है। कौन सा टुकड़ा? शारदा देवी का। वो और उनका बेटा कृष्णा उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं। इस सासु कृष्णा, वाह, हमारी कुंडली में कहां से फसकवा। अगर वो जमीन बेचना नहीं चाहते तो फिर दफन कर दो उन्हें उसी जमीन में। यू मीन किल? आप ये भूल रहे हैं कि शारदा रमन प्रसाद की बीवी है और कृष्णा उनका बेटा। आज भी सरकार में कुछ लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर उनमें से किसी को यह शक हो गया कि जमीन के टुकड़े के लिए मां बेटे का कत्ल कर दिया गया है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। खतरों से खेलना तो हमारी फितरत है ठाकुर साहब। अगर आपको डर लगता है तो आज ही अपने आदमी बुलवा लेते हैं, रातों रात काम तमाम हो जाएगा। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं राणा साहब। ठाकुर शमशेर सिंह के इलाके में सिर्फ ठाकुर शमशेर सिंह की हुकूमत चलती है। हम यहाँ किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राणा किसी की वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं करता। जबान से पलटने वालों की हम हमेशा अगली जबान बंद कर देते हैं। राणा साहब, अब अगर आपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारे मेहमान हैं। तो क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे? अरे अरे अरे, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ धंधे की बात करने आए हैं, तो खाना खोले नहीं। हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, हमें ये सोचना है कि किसनवा और शारदा देवी को रास्ते से कैसे हटाया जाए। गांव की जमीन खाली करवाने का जिम्मा ठाकुर साहब का था, ये काम इन्हीं को करना पड़ेगा, समझे? जरूर करेंगे, लेकिन होशियारी से। उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हे भगवान, कब तक और कब तक? आदाब मेरा बहन, क्या बात है, आप कुछ परेशान सी नजर आ रहे हैं। हाँ असलम भाई, मेरे पति को मरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे उनकी पेंशन का एक भी पैसा नहीं मिला। मैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक गई हूँ। आज फिर एक चिट्ठी आई है एक और दफ्तर में चक्कर काटने के लिए। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। आप कहे तो मैं जटाशंकर जैसे कहकर देखूं। जटाशंकर जी से? हाँ, उन्होंने खुद मुझसे कहा हमसे उनकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है और कोई भी मुश्किल आन पड़े तो वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। सच? आजमा कर देख लेने में क्या हर्ज है। दीपक राम, बहुत देर हो गई भाई, मीटिंग में पहुंचना है। साहब, यही है मेरा दीदी,
जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कोई फिक्र की बात नहीं है, नारी कल्याण तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, नारी जाति को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप जय बताएं, अर्जी लिख कर लाई है जी? नहीं तो। कोई टेंशन वाला नहीं, अभी तो हम बाहर जा रहे हैं मीटिंग पर, आप संध्या 8 बजे अर्जी लेकर ले आए, बाकी कल राजधानी जाकर मैं खुद ही निपट लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संध्या 8 बजे। ये रही आपकी रकम। मंत्री जी से हमारी फाइल पर दस्तखत करवा लिए ना आपने? जी बिल्कुल, गिव मनी टेक फाइल गो हैप्पी। ये क्या, मेरी फर्टिलाइजर प्लांट की फाइल थी और ये पेस्टिसाइड्स की है? तो क्या हुआ, फर्टिलाइजर फॉर प्लांट, पेस्टिसाइड्स फॉर प्लांट, एक ही बात है। ये क्या कह रहे हैं आप, एक पैदावार बढ़ाने के लिए है और दूसरा कीड़े मकोड़े मारने के लिए? अर्थात दोनों फसल बढ़ाने के काम आते हैं, बोथ वर्क फॉर प्रोडक्टिविटी। गुड, अब आप जाइए, पीपल कमिंग, टेंशन बढ़िंग। सेवकराम जी, मेरा दीदी अर्जी लेकर आई है। गुड सर, वेटिंग एंड लेटिंग। चलिए असलम, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ, सर फटिंग। आप चलिए, मैं अभी आया। नहीं जाइए, तशरीफ ले जाइए। वर्क डन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए मीरा देवी, आइए, मैं तुम्हारी खातिर तो जहाँ जमा हूँ, आओ बैठो जहाँ। जी मैं आपके बराबर, मेरा मतलब। अरे घबराओ मत, जहाँ जी चाहे बैठो, आओ। धन्यवाद। संकोच मत करो, बैठो बैठो। कुछ चरना में तो जावे। जी जी, मैं शराब नहीं पीती। कुछ ठंडा वाला ही गुड़ करो। बस प्यास नहीं है। परंतु हमें जे प्यास बहुत सतावे है। खैर अर्जी लेकर लाई हो? जी। ये क्या कर रहे हैं आप? फीस वसूली। अरे अर्जी पास करावेंगे, कुछ तो कमावेंगे कि नहीं? हाँ छोड़िए मेरा हाथ। अरे शंकर जी की सौगंध, अब जो हाथ ना छूटेगा। आप लो चाय। मीरा बहन मुझे शंकर, जल्दी आओ यहाँ। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बाहर निकाल दो इसको। अरे असलम, क्या होता है, इतना परेशान क्यों है? किशन भैया फौरन मेरे साथ चलो, मेरा बहन की इज्जत खतरे में। चल चल संभल के बेटे। अब यूं टसवे तो बहाओ मत रानी, वो किशन भा के साथ तुम्हारी राज लीला तो पूरे गांव में मशहूर है, तो फिर कौन बात की झंझट है। बेर कुबेर हमारी आत्मा को प्रसन्न करती रहोगी तो हम तुम्हें तुम्हारे घर वाले के पेंशन के अलावा और भी बहुत कुछ देंगे। अरे मीरा रानी, कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता ही है। हराम सादे, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो?
हेलो ठाकुर साहब। जटाशंकर जी आप घबराइए नहीं, लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाएंगे कि फरिश्ते भी इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। अरे ठाकुर साहब जो करना है तुरंत कीजिए, डर के मारे प्राण कण से बाहर आ रहे हैं। लेकिन पहले आप ये बताइए कि इसे यहाँ तक किसी ने देखा तो नहीं? बिल्कुल देखा है सर, असलम देखिंग, मीरा चिल्लाइंग, ही फाइटिंग, आई धक्का मार के बाहर निकालिंग। अरे घन चक्कर तू हमारा सकते है या दुश्मन, तूने उसे जाने क्यों दिया? दुश्मन आ गया। आखिर भगवान ने तुम्हारी एक विनती भी नहीं सुनी। राम जादे ये सब तेरा काम है। काली जी दादा। किशन भैया ठाकुर साहब कुछ कीजिए, नहीं तो किशन बाब मेरी जान लेगा। मैंने कृष्णा को रास्ते से हटाने की तरकीब सोच ली है जटाशंकर जी, लेकिन पहले हमें असलम को ठिकाने लगाना होगा। लाइए वही चाकू और भोंक दीजिए असलम के सीने में, जल्दी कीजिए जल्दी। असलम जान बची सो लाख हो पाए। काली जी दादा इसके हलक में शराब की बोतल उंडेल दो और थमा दो इसके हाथ में यही चाकू। जी जटाशंकर जी सारा गांव जानता है कि कृष्णा मीरा से प्यार करता था, अब आपको थाने में यही रिपोर्ट लिखवानी है कि कृष्णा ने शराब पीकर मीरा की इज्जत लूट ली और इसे जान से मार दिया। असलम ने यह सब देखा और वो भागा हुआ आपके पास मदद के लिए आया। आपने पुलिस को फोन किया, पुलिस के आने से पहले कृष्णा यहां आ धमका, उसने असलम को जान से मार दिया और आप पर भी हमला किया। ठीक उसी वक्त पुलिस यहां आ पहुंची, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मरने से पहले असलम ने जे बयान दिया कि कृष्णा ही मीरा और उसका कातिल है। बयान पर मुर्दे इंसान का अंगूठा है या जिंदा का ये कौन जानता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब हमारा दरोगा सब कुछ संभाल लेगा। वाह ठाकुर साहब वाह। क्या ये क्या कह रहे हैं आप, कृष्णा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया? हाँ ये सच है शारदा बहन, उसमें असलम और मीरा के खून का इल्जाम है। ये नहीं हो सकता, कृष्णा बेकसूर है। कृष्णा माँ तू और यहाँ ये क्या हो गया बेटे, तू तो मीरा को बचाने गया था। ये सब उस मक्कार ठाकुर और जटाशंकर की चाल है, उन्होंने इंस्पेक्टर चौबे से मिलकर अपने गुनाहों की कालिख मेरे माथे पर पोतने की कोशिश की है। तू फिकर न कर बेटा, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी तुझे बेकसूर साबित करने के लिए, अच्छे से अच्छा वकील करूंगी और आज ही अर्जुन को तार देकर बुलवा लेती हूँ। नहीं माँ तुम्हें मेरी कसम ऐसा हरगिज मत करना, ये उसकी पढ़ाई का आखिरी साल है, कहीं कोई रुकावट आ गई तो इतने बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और फिर ये हमेशा थोड़ी रहने वाला है। कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है लेकिन वो बहरा नहीं है, अदालत में केस की सुनवाई आते ही सच्चाई सामने आ जाएगी और मैं बरी हो जाऊंगा। जरूरत है तो सिर्फ एक अच्छे वकील की। मैंने केस की फाइल को अच्छी तरह से देख लिया है शारदा जी, शारदा देवी सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ है, केस जरा मुश्किल है। मुश्किल केस तो तब होता वकील साहब जब मैं झूठ को सच साबित करने को कहती, मगर मैं तो सच को सच साबित करने की उम्मीद लेकर आई हूँ। ठीक है अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे का केस लड़ूं तो मेरी फीस होगी 25,000 रुपए। 25,000?
ज्यादा है तो मैं कुछ सस्ते वकीलों के नाम देता हूँ। नहीं, मेरे बेटे की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि मैं उसे दाव पर लगा दूं। आप केस की तैयारी कीजिए, रुपयों का इंतजाम हो जाएगा। 25,000 रुपए? बुरा मत मानना शारदा बहन, पर इतनी बड़ी रकम आप कैसे चुकाऊंगी? बरसों से हम अपनी फसल का अनाज तुम्हारे यहाँ बेचते आए हैं, अगली फसल पर रकम काट लेना। अगली फसल? कौन जाने अगली फसल होगी कि नहीं। बरसात रुक सकती है, सूखा पड़ सकता है, कीड़े फसल को बर्बाद कर सकते हैं, और फिर कृष्णा भी तो नहीं है खेतों की देखभाली के लिए। क्षमा करना शारदा बहन, ऐसे में इतनी बड़ी रकम देना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, भगवान झूठ ना बुलवाए शारदा बहन, आज सोने में तो खोट हुए है। ये क्या कह रहे हैं आप लाला जी? वही जो सच है, ये जेवर को 25,000 में गिरवी तो क्या, अगर कोई खरीदेगा भी तो घाटा खाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा 10,000 दे सकूं। लाला जी, बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ, कुछ कीजिए, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। एक रास्ता है, अगर आप अपनी जमीन गिरवी रख सको तो उसके 25,000, तो क्या मैं 50,000 दे सकूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सोच लीजिए शारदा बहन, जमीन बेटे की जिंदगी से बढ़के ना हुए है, कृष्णा बच गया तो सब ठीक हो जाएगा, वरना भगवान झूठ ना बुलवाए। लाला जी ने ठीक कहा शारदा, चिंता की क्या बात है, तुम जमीन गिरवी रख रही हो, बेच थोड़े ही रही हो। कृष्णा छूट गया तो अगली फसल पर कर्ज की रकम चुकाकर अपनी जमीन छुड़ा लेना, अगर उससे कुछ हो गया तो ये जमीन किस काम की? उसकी जिंदगी बर्बाद करके खुद को माफ कर सकोगी तुम? नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये लीजिए 25,000 रुपए, और खुशी खुशी जाकर अपने बेटे को बचा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी। काम हो गया? बिल्कुल हो गया सरकार, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। शारदा देवी बेटे के प्यार में ऐसी पागल हुई कि बगैर देखे जमीन बेचने के कागज पर अंगूठा लगा गई। शाबाश, ये लो अपनी चालबाजी की कीमत, उठाओ कलम और जमीन के कागजात हमारे हवाले कर दो। बेचारी शारदा देवी, जमीन तो हाथ से गई, अब बेटा भी अदालत से बच नहीं पाएगा। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम कृष्ण प्रसाद यादव ने न सिर्फ मीरा के साथ बलात्कार किया बल्कि उसका और उसके चश्मदीद गवाह असलम शेख का भी कत्ल किया। लिहाजा ये अदालत मुजरिम कृष्ण प्रसाद यादव को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। नहीं नहीं जज साहब, ये गलत है या अन्याय है? मैंने असलम और मीरा का खून नहीं किया, ये ठाकुर जटाशंकर की चाल है। जटाशंकर ने मीरा का बलात्कार किया और सारा इल्जाम मेरे माथे पर ठोक दिया। जज साहब, मुबारक हो जटाशंकर जी, आप फांसी के फंदे से बच गए और आपका भी रास्ता साफ हो गया। अब आप शारदा देवी की जमीन पर आराम से कब्जा कर सकते हैं। बेशक। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है ठाकुर? दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है? हम अपनी जमीन का कब्जा ले रहे हैं। ये तुम्हारी नहीं, हमारी जमीन है, फौरन निकल जाओ यहाँ से। निकलना तो तुम्हें पड़ेगा शारदा देवी, क्योंकि इस वक्त तुम बगैर इजाजत हमारी जमीन पर खड़ी हो, उस जमीन पर जो तुमने हमें 25,000 रुपए में बेच दी थी। बिल्कुल नहीं, मैंने जमीन 25,000 रुपए में लाला के यहाँ गिरवी रखी थी, बेची नहीं थी। लगता है बेटे के सदमे ने तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर कर दी है। ये देखो वो अंगूठा जो रुपया लेते वक्त तुमने इस कागज पर लगाया था, और इसमें ये लिखा है कि तुमने जमीन गिरवी नहीं रखी बल्कि हमें बेची है। रामजादी, मक्कार कमीने कहीं के, ये तुम्हारे और मक्कार लाला की चाल है, साजिश है जमीन छीनने की। अगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी,
निकल जाओ, भीमा, निकल जाओ यहाँ से, इस बदतमीज औरत को बाहर भेजो, निकल जाओ, निकल जाओ। लगता है ये पागल हो गई है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अपने आप को संभालो शारदा बहन, चलो घर चलते हैं। संभल के वहां ले चलो जी। बैठाओ इन्हें। हाँ। एक गिलास पानी लेके आ हरिया जी, लेकर आता हूं। शारदा मां, पानी। नहीं कहता कि हिंदुस्तान में अनेक धर्म, वर्ग, रंग, जात हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। हमारा ये कॉलेज खुद हिंदुस्तान की एक छवि है। यहां अनेक जात, धर्म, वर्ग, भाषा के स्टूडेंट्स आते हैं और हिंदुस्तान के भविष्य की तस्वीर में रंग जमाते हैं। तो लीजिए पेश आज की शाम आजाद हिंदुस्तान की अनेकता में एकता के नाम हमारा प्यार भरा नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। फरमाइए जी। नमस्ते जी, ओ वेलकम जी, ओ दुबे जी, ओ शर्मा जी। महमा है सबका ये कहना है, दिल में हमारे जो इनको तो रहना है। ऐसे में रोको ना दिल के तूफानों को, चाहते शोलों को, प्यासे अरमानों को। लकड़ी वाला, बाटली वाला, लोखन वाला, पाटन वाला, टोपी वाला, लादी वाला, सोना वाला, दारू वाला। नमस्ते जी, ओ वेलकम जी, हाय, ओ गुप्ता जी, ओ खन्ना जी, मट्टा जी, लहाटा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, स्वागत है आपका, फरमाइए जी। नमस्ते जी, ओ वेलकम जी, ओ दुबे जी, ओ शर्मा जी, हा, 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 हा।
कल चुराएंगे, होठों से होठों पे कुछ लिखते जाएंगे। जो भी मिले हैं पल हंस के बिताएंगे, झूमेंगे नाचेंगे मस्ती लुटाएंगे। बाड़े कर बेड़े कर केर कर धानु कर भाले कर पाले कर सोल कर घोल कर नमस्ते जी, ओ वेलकम जी, ओ दुबे जी, ओ शर्मा जी, ओ मेहता जी, ओ मेहरा जी, मिर्जा जी, परेरा जी, स्वागत है आपका, फरमाइए जी। नमस्ते जी, ओ वेलकम जी, ओ दुबे जी, ओ शर्मा जी, नमस्ते जी, ओ दुबे जी, ओ शर्मा जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। ये भाई आने 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 तो है ना मां, नहीं रही। धर्म पूरा करो। इतना कुछ हुआ आपके और मां के साथ और आपने मुझे खबर तक नहीं की। क्या मैं कोई गैर था? क्या आपने मुझे अपने दुख में शरीक होने का मौका तक नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं है पगले, ये तेरी पढ़ाई का आखिरी साल है और हम नहीं चाहते थे कि इसमें कोई रुकावट आए। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
साल भर की फीस तो तू जमा कर चुका है, खर्च का इंतजाम मैं जैसे तैसे कर लूंगा। तू कॉलेज वापस लौट जा, तुझे बापूजी का सपना पूरा करना है, हम सबका सपना पूरा करना है। जरूर करूंगा भैया, लेकिन इस वक्त मुझे कॉलेज लौट जाने के लिए मत कहिए। इन हालात में मैं पढ़ाई कैसे करूंगा जब मेरे दिल दिमाग में सिर्फ एक ही आग भड़क रही है, बदलाव बदलाव बदलाव। तू क्या समझता है बदले की आग मेरे सीने में नहीं सुलग रही है? लेकिन दुश्मन की चालाकी का जवाब हमें चालाकी से देना होगा। इंसान के न्याय ने उनका साथ जरूर दिया है, मगर भगवान का फैसला अब भी बाकी है। भगवान कहां है भगवान? अब इस दुनिया में सिर्फ शैतान बसते हैं, शैतान। देख अर्जुन, यह संसार एक कभी न खत्म होने वाली महाभारत की कथा है। हर युग में यहां कहीं ना कहीं कोई दुर्योधन कोई शुगनी मामा पैदा होते हैं अधर्म और अत्याचार का जहर फैलाने के लिए, और हर युग में यहां कहीं ना कहीं कोई कृष्णा कोई अर्जुन पैदा होते हैं उनके पापों का अंत करने के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में पहले अधर्म और अत्याचार का पलड़ा भारी जरूर लगता है, लेकिन भगवान उनकी ऐसी कोई कमजोरी जाहिर कर देता है कि अंत में विजय धर्म और सत्य की होती है। हमें भी दुश्मन की ऐसी कोई कमजोरी के जाहिर होने का इंतजार करना पड़ेगा। अरे पूनम, तुम अभी तक यहां अकेली बैठी क्या कर रही हो? लगता है वक्त की रफ्तार जिंदगी को भूल गई है। जब से अर्जुन गया है सब कुछ थम सा गया है, न जाने किस हाल में होगा वो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। हुँ? आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। हुँ? चलो। आओ। हाय बेबी। रास्ता छोड़ो बिल्लू। आज हम रास्ता छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें अपने दिल का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं जाने मन। जिंदगी में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जहां अकेलापन भी हो, दाद भी हो और हम तुम आमने सामने भी हो। ये बकवास बंद कर लो, छोड़ो मुझे। जाने मन बहुत सताया तुमने जाने मन। बंद कर दो इसे यही। सचू सलीम, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। कोई फायदा नहीं पूनम, आपके जाना इतना आसान नहीं। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, बिल्लू और उसके साथ ही पूनम के साथ ऊपर लाइब्रेरी में बदतमीजी कर रहे हैं, जल्दी चलिए सर प्लीज। पकड़ो से। स्टॉप इट बिल्लू, रमेश, अर्जुन, हट करो। स्टॉप इट, हट जाओ पीछे, ले जाओ इनको। बेटी तुम ठीक तो हो ना? जी। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये कॉलेज है, कोई गुंडों का अड्डा नहीं है ये। शुक्र करो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी कॉलेज में पुलिस का आना उसके नाम पर धब्बा है। लेकिन तुम लोगों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम सबको इसी वक्त एक्सपेल करता हूं। गेट आउट, ले जाओ इन लोगों को, निकल जाओ। आई एम सॉरी पूनम, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटी मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नो सर, इट्स ओके, मैं रंगीला के साथ चले जाऊंगी। ठीक है रंगीला, टेक केयर। क्यों बे साले चमचे, कॉलेज में बहुत होशियारी झाड़ रहा है। मारो साले को। चुप कर। छोड़ दो पहले, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मैं, उसे मत मारो। पकड़ के रखो इसे।
हरामजादे, तूने हमें कॉलेज से एक्सपेल करवाया था, है ना? ले, हम तुझे तेरी जिंदगी से एक्सपेल किए देते। नहीं बेटा। जिंदा है, इसे फौरन अस्पताल ले चलो, उठाओ। ये तो लफड़ा हो गया बिल्लू। हाँ, पूनम होश में आते ही सब कुछ बता देगी। अब बचने की एक ही तरकीब है, तुम फौरन गांव चले जाओ। हाँ, वहां तुम्हारे बाप की धाक जमी है, वहीं से लफड़े को सुलझा सकते हैं। ठीक। अबे बेवकूफ, तुझे शहर भेजा था पढ़ने के लिए या खून खराबा करने के लिए? कमाल करते हैं आप। डैडी, आप ही तो कहा करते थे कि ठाकुर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देते हैं। मैंने भी वही किया, तो इसमें गलत क्या है? खामोश, गलती का बच्चा। हेलो। रुकिए दादा, आपके लिए दारोगा जी का फोन है। हाँ दारोगा जी भाई, हम तो खुद आपको फोन करने वाले थे, कहिए। अरे वो सब छोड़िए ठाकुर साहब, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। शहर से डीआईजी साहब आए हैं छोटे ठाकुर की गिरफ्तारी का वारंट लेकर। क्या ठाकुर साहब, वो हवेली की तरफ आ रहे हैं। देखिए मेरी बात जरा गौर से सुनिए, भलाई इसी में है कि आप छोटे ठाकुर को कहीं पर छुपा दीजिए। अगर वो डीआईजी साहब के हत्थे चढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। पानी जी, तुम फौरन बिल्लू को अपने साथ लेकर शिकार घर की तरफ रवाना हो, और कुछ दिनों तक सख्त पैरे में वहीं छुपा कर रखो। मगर क्यों? क्यों? इसलिए कि शहर से डीआईजी आपकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया है। अब यहां से जल्दी निकलिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जाइए। जी जी, चले थे ठकुराई झाड़ने। ठाकुर साहब घर पर हैं? जी साहब, आइए आइए, वो रहे। आदाब ठाकुर साहब। आदाब। मैं डीआईजी हिदायत अली खान हूं। फरमाइए। मुझे अफसोस है, मेरे पास आपके बेटे का अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? क्या किया है उसने? अपने स्टूडेंट साथी का कत्ल। कहां है वो? शहर, कॉलेज में। मगर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहां आया है। वो यहां नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए हमारी हवेली की तलाशी ले सकते हैं। वो तो हम लेंगे ही। हवलदार, तलाशी लो। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, आइए। शुक्रिया। तशरीफ लाइए। कुछ ठंडा पीजिएगा या गर्म? जी नहीं, शुक्रिया। माफ कीजिएगा डीआईजी साहब, हमारा बिल्लू ऐसा लड़का नहीं है जो किसी का कत्ल करेगा। ठाकुर साहब, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों में नेकी और शराफत की झलक देखते हैं, और यही वजह है कि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है। क्या यह पर्दा कानून की आंखों पर नहीं डाला जा सकता? क्या मतलब? आप समझदार हैं, समझ गए होंगे अच्छी तरह, और यह भी समझ गया हूं कि आप जानते हैं कि आपका बेटा कातिल है, वरना उसके जुर्म पर पर्दा डालने के लिए आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश नहीं करते। ये रिश्वत नहीं है हुजूर, इसे नजराना समझ लीजिए। ठाकुर शमशेर सिंह, पुलिस वालों की बाबत तुम्हारा यह तजुर्बा कुछ गलत किस्म के खुदगर्ज अफसरों से ताल्लुक रखता है, मगर डीआईजी हिदायत अली खां की वर्दी बिकाऊ नहीं है, समझे तुम? अगर मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। तुम्हारी इस हरकत को एक बाप की कमजोरी समझकर माफ किए देता हूं।
आइंदा कानून की बेइज्जती कभी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। साहब हवेली में तो कोई नहीं है। ठाकुर साहब, मैं आपके बेटे को गिरफ्तार करने आया हूं और करके रहूंगा। खैरियत इसी में है कि उसकी खबर मिलते ही मुझे इत्तला कर देना, वरना खुदा हाफिज। भुगतो भुगतो, अब हम सलाह दिए थे कि अपने छोकरे को खुले सांड की तरह छोड़ना अच्छी बात नहीं है, पर हमारी बात नहीं सुनी। तब तो ठकुराई के शेर पर अपने बेटे को सवारी करा रहे थे आप, और पिलाओ ठकुराई की घुटी, पिलाओ। जटाशंकर जी, ये तो हमारे खून और खानदान का असर है, जाएगा कैसे? ठीक है, अब यही बात जाके डीआईजी से कह दो जो तुम्हारे सपूत को गिरफ्तार करने आया है। कमाल करते हैं आप जटाशंकर जी, हम आपसे बिल्लू की मदद करने के लिए कह रहे हैं और आप है के बेहुदा बातें सुनाए चले जा रहे हैं। हिमा का बेहुदा बात है भाई, देश का कानून हमारे घर का पालतू कुत्ता तो है नहीं कि जब हम चाहेंगे काटेगा, जब हम चाहेंगे भौंकेगा। ना भाई, इस सरकारी टंटे में हम अपनी टांग नहीं फंसाना चाहते। जब आप असलम और मीरा के कत्ल के जुर्म में फंसे थे, तब भी कानून किसी के घर का कुत्ता नहीं था, फिर भी हमने आपकी मदद की थी। हमें ज्ञान बाजरे का वो भगत आपकी ऐसी नजदब रही थी कि जो किसान को हम नहीं हटाते तो राणा साहब ने तो आपकी लुटिया ही डुबो दी थी। आज वो बात का एहसान हम पे जाने की कोशिश करें आप। चलिए एहसान ना सही, लेकिन ये वक्त फजूल बहस करने का नहीं है। बिल्लू हमारा इकलौता बेटा है और सवाल उसकी जिंदगी का है। उठाइए फोन और कहिए उस डीआईजी से के इस केस को फौरन रफा दफा करे। लो और सुनो, यानी कि आप ये चाहते हैं कि हम उस डीआईजी से जाके कहें कि हमारी सांठ गांठ खूनी उच्चकों के साथ है, यानी कि हम अपनी इज्जत का मलिया मेज खुली कर लें। आपकी बुद्धि ठिकाने है कि नहीं ठाकुर साहब? अकल तो तेरी ठिकाने नहीं है हराम सादे, कित के पंजे और मोर के पंख लगाकर अपनी जात बदल रहा है कमीने। नहीं नहीं, हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है, बेहतर इसी में है कि अब आप यहाँ से चलें। जटाशंकर याद रख, मुसीबत के वक्त जो काम ना आए वो दोस्त नहीं दुश्मन होता है, और अब मेरी ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, समझा? सर, एंग्री मैन, वेरी डेंजर। पूनम, रॉकी, तुम दोनों यहाँ? हाँ, गांव में पूछा तो पता चला कि तुम यहाँ मिलोगे, तो यहाँ चले आए। जब से तुम गांव आए हो, ना कोई चिट्ठी भेजी और ना कोई खबर दी, हमें फिक्र होने लगी थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद चलकर तुमसे मिलने आए, हालचाल पूछें, सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ ठीक नहीं, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या? तुम्हारे यहाँ आने के बाद वहाँ कॉलेज में कोई कम बर्बादी नहीं हुई मेरे भाई? क्या मतलब? बिल्लू ने रंगी लगा खून कर दिया। क्या? हाँ, और बिल्लू वहाँ से भागकर यहाँ गांव आ छुपा है। शहर से डीआईजी साहब उसे गिरफ्तार करने यहाँ आ गए हैं। कोई फायदा नहीं, बिल्लू का बाप उस डीआईजी को कुछ खिला पिला कर यहाँ से रवाना कर देगा। नहीं अर्जुन, डीआईजी साहब एक बहुत ही नेक और ईमानदार अफसर है, उन्हें खरीदना तो नामुमकिन है। अगर हम बिल्लू को पकड़वाने में उनकी मदद कर दें तो उनका काम भी आसान हो जाएगा और बिल्लू को उसके किए की सजा भी मिल जाएगी। तुम फिक्र मत करो पूनम, रंगीला का खून जाया नहीं जाएगा। इसके खून की कीमत सिर्फ बिल्लू को नहीं बल्कि उसके बाप को भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन हर जंग में कृष्ण के बगैर अर्जुन अधूरा है, इसलिए पहले हमें कृष्ण भैया को आजाद करने की कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। कैदियों को उतार कर रास्ता साफ करवा दो। यस सर। चलो नीचे उतरो, आगे जाओ, चलो चलो। कृष्ण भैया, चलो। चलो सब मिलके उठाओ, चलो चलो जल्दी करो।
भैया चलिए जल्दी। भाग गए सर। पूनम रॉकी, हमें आजाद कराने में जो तुमने हमारी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आगे मैं और अर्जुन जो करने जा रहे हैं उसमें जान का खतरा है और हम नहीं चाहते कि हमारी खातिर तुम ये खतरा मोल लो। कृष्णा भैया ऐसा क्या कर, हमारी दोस्ती को गाली मत दीजिए। अर्जुन मेरा दोस्त है और वो दोस्ती क्या जो मुसीबत में दोस्त के काम ना है। रही पूनम और अर्जुन की बात, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और जीवन साथी बनने का फैसला भी कर चुके हैं। क्या? हाँ कृष्ण भैया, अब अर्जुन का हर दुख मेरा दुख है, हर खतरा मेरा खतरा है। क्यों भाई, ये बात आज तक मुझसे क्यों छुपाई? वो मौका ही नहीं मिला भैया। मौके का बच्चा। ठीक है, अगर मेरी बात से तुम दोनों के दिल को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ हमें क्या करना है, तुम जाकर उसकी तैयारी करो। तब तक मैं और अर्जुन जाकर ये पता लगाते कि ठाकुर ने अपने बिल्लू को कहाँ छुपा रखा है। तुम? हाँ हम। सीधे तरीके से बता दो ठाकुर ने अपने पिल्ले को कहाँ छुपा रखा है, वरना। ने अपने पिल्ले को कहां छुपा रखा है, वरना तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। बोल। काली टोप के शिकार घर में। हद हो गई यार, और कितने दिन सड़ता रहूंगा इस चार दीवारी में, ना कोई मौज ना मस्ती, कब तक बंदी बनकर रहना पड़ेगा मुझे यहां? जब तक बड़े ठाकुर का हुक्म नहीं आता। तो कब आएगा बड़े ठाकुर का हुक्म? ए, कहां घुसे चला आ रहे हो तुम लोग? हम नाचने गाने वाले हैं, रास्ते में रात हुई गई, तनिक हमका रात भर का सर छुपाएगा जगह दे तो? हरगिज नहीं। अरे ई जुलुम ना करो सरकार, ई भयानक जंगल मा जनानी को लेकर रात मा कहां जाई? बहादुर जी। हुजूर अंदर आने दो इन्हें। लेकिन हुजूर बड़े ठाकुर
उनसे मैं निपट लूंगा। तुम लोग आओ। सरकार को हमरी उम्री लग जाई। अरे बाप रे बाप, कितनी शानदार कोठी है रे चंपा। हमका तो कोठी से ज्यादा कोठी वाला भाई है। कितना बड़ा दिल है सरकार का। अगर तुम देखना चाहती हो कि हमारा दिल कितना बड़ा है तो सजा दो महफिल, जमा दो रंग, हम तुम्हें इनाम से खुश कर देंगे रानी। ये बात है तो पिलाए दा हमका थोड़ी सी मदिरा, फिर देखा हमरा जलवा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे इका करी हो सरकार, इने पीली ना मदिरा तो इका चढ़ जाएगी। और इका चढ़ गई ना तो जल्दी उतर बे नहीं, आपे से बाहर हो जाई। अच्छा तब तो हम इन्हें जरूर पिलाएंगे, चलो और पी जाओ खटाखट। पी के तू मदिरा का प्याला, छोड़ के शर्मो लाज, लचक लचक के ठुमक ठुमक के झूम के नाचो आज, हो रानी झूम के नाचो आज, हो जानी झूम के नाचो आज। शराबी जुल्फे घटाए, मस्ती भरी चितवन है, शोख अदाएं शोख अदाएं हैं और जलवे रंगीले, जो इन्हें पाले वो प्यारे मस्ती में जीले।
पतली कमर बाली उमर कोरी चुनरिया, सब तो है बुलाए है प्रेम डगरिया। प्रेम डगरिया पे तू हो जो इनके संग, प्रेम रस ये भर देंगे तोहरे अंग अंग। पहले के ठाकुर साहब हमें ढूंढ निकालें, हमें बिल्लो को डीआईजी साहब के हवाले कर देना चाहिए। सो तो करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ठाकुर से अपना हिसाब चुकता करना है। उसे ये धमकी देकर कि अगर उसने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं तो हम उसके लाडले को जान से मार देंगे। ठाकुर बड़ी सख्त जान है भैया, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अरे बेटे की मोहब्बत सख्त से सख्त जान को तोड़ कर रख देती है। हम ठाकुर को उसके बेटे की तरफ से वो खतरनाक तोहफा भेजेंगे कि उसकी रूह कांप उठेगी। फिर वो इसकी सांसों की भीख मांगेगा और हम उसके गुनाहों का हिसाब। इसका बायां हाथ पकड़ कर नीचे करो। चलो। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। चलो इससे। मुझे छोड़ो। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। देखो मैं कहता हूँ इंजाम बात करूँगा। छोड़ो। नहीं। छोड़ो मुझे। नमक हराम, जिस जबान से तूने सारी उम्र हमारा नमक खाया उसी जबान से तूने हमारे बेटे का पता बताकर से दुश्मनों के हवाले कर दिया। मैं नमक हराम नहीं हूँ, माफ कर दादा, मुझे माफ कर दीजिए दादा, माफ कर दीजिए मुझे। मैं तेरी कमी उधर दूंगा। नहीं, मैं नमक हराम नहीं हूँ दादा, मुझे माफ कर दीजिए। हरगिज नहीं। रामू शंकर भीमा कन्हैया, इस मनहूस को ले जाओ, हवेली के बाहर फेंक दो। दादा आपने ये अच्छा नहीं किया। अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो और मेरे बेटे को ढूंढा लाओ। कोई फायदा नहीं ठाकुर। तुम? हाँ मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा बेटा कृष्ण भैया के कब्जे में है, और अगर तुम उसे 7 जन्मों तक भी ढूंढो ना तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। सीधी तरह बता के तूने मेरे बेटे को कहां छुपा रखा है, वरना इस हवेली से तेरी लाश जाएगी लाश। अगर तुमने मेरा एक बाल भी बाका किया या मैं तुम्हें कृष्ण भैया का संदेशा देकर 1 घंटे में वापस नहीं लौटा तो वो बिल्लू को जान से मार डालेंगे। सोच लो ठाकुर, जिस आदमी को 2 खून की सजा मिल चुकी हो उसे तीसरे से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बताओ क्या संदेशा लाए हो कृष्णा का? उसने मेरे बेटे की रिहाई की कीमत क्या लगाई है? कीमत तो 2 ही लगाई है तुम्हारे बेटे की ठाकुर, एक उसे जिंदा रखने की
दूसरा उसे वापस लौटाने की। सबसे पहले तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर डीआईजी साहब को यह बताना होगा कि कृष्ण भैया बेकसूर है। मीरा बहन और असलम भाई का खून उन्होंने नहीं जड़ाशंकर ने किया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के लिए कृष्ण भैया ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। क्या है ये? बहुत शौक था ना तुम्हें लोगों से अंगूठा लगवाने का, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी तुम्हें एक अंगूठा भेजें तुम्हारे बेटे का। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा मैं। बंद करो ये गीदड़ भपकी और गौर से सुनो, अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा तो ये अंगूठा अपने बेटे की मौत के परवाने पर लगा देना, क्योंकि हम उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास ऐसे भेजेंगे कि तुम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाओगे, समझे? तो आप चाहते हैं कि मैं आपके इस बयान पर यकीन कर लूं कि जटाशंकर त्रिपाठी ने मीरा का रेप किया और इस राज पर पर्दा डालने के लिए उसने उसका और असलम का खून कर दिया? जी हाँ। यह सरासर झूठ है सर, अदालत में यह साबित हो चुका है कि दोनों अपराध कृष्ण ने ही किए हैं। हाँ, लेकिन गलत बयान और झूठे सबूतों के बिना पर जिसके करता धरता ये इंस्पेक्टर चौबे है। ठाकुर साहब, आपकी मकारी यहां नहीं चलेगी, समझे आप? हुजूर, आप इनकी एक ना सुने, सारा इलाका जानता है कि अव्वल दर्जे के बदमाश हैं। ऐसे नाफ ठाकुर साहब, अगर ये सच है तो ये बात आपने अदालत में क्यों नहीं कही? किस उम्मीद पर करता हुजूर? जटाशंकर के एक हाथ में सरकार और दूसरे हाथ में कानून बंद है, तो कोई शरीफ आदमी उसके खिलाफ आवाज उठाने की जुरत कैसे कर सकता है? अगर आप जैसे ईमानदार अफसर का भरोसा ना होता तो शायद मैं ये बात करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। सर, ये आपको अपनी चापलूसी से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्री जी से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनके बेटे को बचाने से साफ इनकार कर दिया। हरगिज नहीं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो जटाशंकर के पीए सेवक राम को पकड़ लाइए, दो हाथ पड़ते ही वो आपको बता देगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बस कीजिए, इनफ इज इनफ सर। बॉडी दुखी, हेड पेन, जान निकली। अंग्रेजी बकना बंद करो और सच बताओ, मीरा का रेप किसने किया और असलम और मीरा को किसने मारा? नॉट मी, जटाशंकर। जटाशंकर रेप मीरा, ही मर्डर मीरा एंड असलम, नॉट मी। मैं नहीं, आई नो। और कुछ कहना चाहते हो? सर वो चतुर सेन चौबे, मैं तुम्हें इसी वक्त ड्यूटी से सस्पेंड करता हूँ। लेकिन सर, एंड यू आर अंडर अरेस्ट। कहाँ बैठा गए हो डीआईजी साहब? जानते हो क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं, ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। अरे फेंक दो इसे रद्दी की टोकरिया में, ये दो टके के कागज की का औकात जो हमारी गिरफ्तारी का हुक्म दे। ये कहकर तुम कानून की हतक कर रहे हो मंत्री। इस मुल्क का कानून किसी ओहदे का या किसी कुर्सी का गुलाम नहीं है, चाहे उसके सामने प्रधानमंत्री ही क्यों ना खड़ा हो। कानून की नजर में सब बराबर है। डीआईजी, तुम हमसे टक्कर लेके बहुत बड़ा संकट मोल ले रहे हो, अच्छी तरह सोच लो। हमारा पौवा दिल्ली तक है। क्यों, दिल्ली कोई तोप है क्या? हर खद्दरधारी यही धमकी देता है, पांच साल तो बड़ी मुश्किल से पूरे करते हो और पूरे हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझते हो। तुम्हें जो करना है करो, मगर मैं अपना फर्ज निभाने से हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। बहुत फड़फड़ा रहे हैं तुम्हारे फर्ज के पंख, बहुत गुमान है तुम्हें अपनी इस बढ़ती और फीतों पर, लेकिन याद रहे अगर मुझे हाथ लगाया ना तो उतरवा देंगे तुम्हारी जेब बढ़ती और फीते। जटाशंकर त्रिपाठी, मेरा नाम हिदायत अली खान है और जिसे अल्लाह की हिदायत और अली की हिदायत हो उसे दुनिया में किसी भी चीज का खौफ नहीं होता। मेरा फर्ज किसी वर्दी का मोहताज नहीं है। अगर तुम इस वर्दी को उतरवा भी दोगे ना तब भी मैं इस मुल्क के कानून की हिफाजत उतनी ही ईमानदारी से करूंगा जो हर हिंदुस्तानी को करनी चाहिए। अब तुम शराफत से मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलते हो या मुझे तुम्हारे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जिसके लिए पुलिस बदनाम है। ये बगत तो हम चलते हैं, पर तुझे बात ऐसे खत्म होवेगी नहीं। चलिए
क्यों मुझे देखते ही सांप सुन गया? हो आए पुलिस स्टेशन? हाँ, मैंने डीआईजी को सच बताकर अपना बयान बदल दिया है। जटाशंकर गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली अदालत की पेशी में तुम बरी हो जाओगे। तुम जैसा चाहते थे मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब तो छोड़ दो मेरे बेटे को। इतनी भी क्या जल्दी है ठाकुर? अभी तो तुमने अपने सफोले को जिंदा रखने की कीमत चुकाई है। उसे छुड़ाने का हिसाब कहां पूरा किया है? तो यह हिसाब भी पूरा कर लो। बोलो क्या कीमत लगाई है तुमने मेरे बेटे की रिहाई की? तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। ठाकुर मैं ये समझता था कि पत्थर की हवेली में रहते रहते तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया होगा, लेकिन अपने बेटे के लिए इतना प्यार देखकर मुझे खुशी हुई। कम से कम तुम्हें अपनों का दर्द तो महसूस हुआ। थोड़ा और तड़पोगे तो न जाने कितने मासूमों के दिल को ठंडक पहुंचे। देखो कृष्णा, मैं अपने बेटे को रिहा करवाना चाहते हो ना तुम, तो कल सुबह ठीक 10 बजे गांव वालों और मेरी माँ के जमीन के कागजात लेकर पुराने गांव पर आ जाना। यही तुम्हारे बेटे की रिहाई की कीमत है। जमीन के कागजात? हाँ ठाकुर, मैं उन्हीं जमीन के कागजात की बात कर रहा हूँ जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने भोले वाले और मुफलिस किसानों से हत्याई थी। मैं उन्हीं जमीन के कागजात की बात कर रहा हूँ जो ममता से अंधी मेरी माँ ने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारे यहाँ गिरवी रखी थी। क्यों ठाकुर, करोड़ों की जायदाद को खोने के ख्याल ने बेटे की मोहब्बत कम तो नहीं कर दी? हरगिज़ नहीं। तो कल सुबह ठीक 10 बजे कागजात लेकर पहुंच जाना, वरना याद रखो इस बार अंगूठा नहीं तुम्हारे बेटे के जिस्म की बोटी बोटी करके चील कौओं को खिला दूंगा, समझे? राणा साहब, मैं काली बोल रहा हूँ, एक बुरी खबर है। आओ भाग्य हमारे राणा साहब, जब आप जैसे व्यक्ति हमारे शुभ चिंतक हैं तो कौन चिंता की बात है। कहिए डीआईजी साहब, बहुत झाड़त रहे अपनी डीआईजी गिरी, क्या उखाड़ लिया हमारा? हाँ अब देखना हमारी उड़ान। बहुत ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं मिश्र त्रिपाठी, तुम सिर्फ जमानत पर छोड़े जा रहे हो, अपने जुर्म से बरी नहीं हुए, समझे? कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। तुम्हारे लंगड़े कानून में इतना दम नहीं डीआईजी कि वो राणा के आदमियों को छू भी सके। उनके लिए सिर्फ एक ही कानून चलता है, राणा का कानून। हर मुजरिम को यह गलत फहमी रहती है कि वो कानून की गिरफ्त से बाहर है, मगर कानून के लंबे हाथ एक न एक दिन उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। अरे राणा साहब, चलिए जहां से वहां जाकर देखते हैं वो ठाकुर ससुरा का परपंचवा रचवा रहा है। ठीक है, मगर ख्याल रहे मिश्र राणा, ठाकुर शमशेर सिंह इस केस में सरकारी गवाह हैं। अगर तुमने किसी भी तरह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको गिरफ्तार कर लूंगा और तब जमानत भी नहीं होगी। ठाकुर शमशेर सिंह ने हमारे खिलाफ गद्दारी की है और उसे उसके किए की सजा जरूर। आपसे जो भी बन पड़े कर लीजिएगा। छामराव। जी हुजूर। तुम फौरन जीप निकालो, हम हवेली चलेंगे। जी सर। अरे पूनम तुम यहाँ? मैं आपको सब कुछ रास्ते में बता दूंगी डीआईजी साहब, आप फोर्स को लेकर फौरन मेरे साथ चलिए। मगर कहाँ? जहाँ ठाकुर साहब बिल्लू से मिलने गए हुए हैं। चलो। ये रहे जमीन के कागजात, अब फौरन बिल्लू को मेरे हवाले कर दो। इतनी भी क्या जल्दी है ठाकुर, पहले मैं ये कागजात देख तो लूं। रॉकी तूने पूनम को सब कुछ समझा दिया था ना? अच्छी तरह। वो डीआईजी साहब के साथ गांव से कुछ दूरी पर रुक जाएगी, कागजात हमारे हाथ लगते ही हमने इशारा किया, वो पुलिस को लाकर बिल्लू को गिरफ्तार करवा देगी। अबे अबे चुप हो। ठीक है, अब जल्दी बताओ मेरा बेटा कहाँ है। बताता हूँ, एक मिनट। वो देखो
पिल्लू, मेरे बेटे। एक मिनट ठाकुर, अब मेरी बात गौर से सुनो। जैसे ही मैं ये बैग लेकर उस तरफ चलूंगा, कृष्ण भैया और रॉकी बिल्लू को लेकर वहां से निकलेंगे। अगर मैं वहां सही सलामत पहुंच गया तो समझो बिल्लू भी तुम्हें सही सलामत मिल जाएगा, वरना और कुछ हो ना हो बिल्लू अपनी जान से जरूर हाथ धो बैठेगा, समझे? अच्छी तरह। गुड। अर्जुन, तू ठीक तो है? हाँ भैया। क्यों ठाकुर, क्या सोचकर इस गांव की जमीन के कागजात तुम इनके हवाले कर रहे थे? भूल गए कि इस जमीन पर तुम्हारा और हमारा बराबर का हक है? थाना, हम आप सबको आपके हिस्सों के बराबर रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त अर्जुन को काफात ले जाने दीजिए, ये हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अरे बेटा होगा तेरा, इसके लिए हम करोड़ों का नुकसान क्यों उठाएं? नहीं उठाएंगे राणा साहब, इसी ने हमारी लंका लुटवाई है, हमारे प्लेनवा का सत्यानाश किया है। ठाकुर, बहुत नाटक हो चुका, अगर मेरे 10 गिनने तक अर्जुन मेरे पास कागजात लेकर नहीं पहुंचा तो मैं तेरे पिल्ले की गर्दन उड़ा दूंगा। एक राणा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, जाने दो अर्जुन को, जाने दो। दो। अरे क्यों अपनी गिनती जाया करता है, 10 तक गिनने की कोई जरूरत नहीं, यह किस्सा यहीं तमाम कर देते हैं। दो! बिल्लू मेरे बेटे मुझे माफ कर, मैं तुझे बचा नहीं सका बेटे, मुझे माफ कर। बुरी को कौन टाल सकता है डैडी, बुराई का अंत बिल्लू नहीं, नहीं, बिल्लू, बिल्लू मेरे बेटे, नहीं। ए अक्कल के दुश्मन, होशियारी मत करना मेरे साथ। अली जी, क्या बैग लेकर आ? अर्जुन, बैग इनके हवाले कर दो। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। राणा, बेहतर यही होगा कि तुम अपने आदमियों के साथ सरेंडर हो जाओ। आया अर्जुन, भाग। सेवक राम, बैक। Huh?
की बात होते अभी देख आती नहीं आती नहीं क्या नहीं आती है फाइटिंग नहीं आती है जुड़ जुड़ बताए साहब या जी साहब मैं वसीयत करता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन जायदाद गांव वालों में बांट दी जाए। कृष्णा, तुमने जेल से फरार होकर कानून तोड़ा है मगर साथ साथ उसकी मदद भी की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रियायत की दरख्वास्त करूंगा। और जब तक तुम और अर्जुन जैसे इंसान सच्चाई और इंसाफ के लिए अपनी जान तक लड़ाने को तैयार हैं, तब तक हमारे देश पर नाइंसाफी का कहर कोई नहीं ढा सकता। खुदा करे तुम्हारी बहादुरी और लगन के उजालों से तुम्हारी राहें हमेशा के लिए रोशन हो। खुदा हाफिज। धन्यवाद। भैया कृष्ण अर्जुन जब साथ हो तो हर दुश्मन की मात हो।
जुल्मों के आगे कभी ना सर झुकाएंगे, ओ आंधी से खेलेंगे तूफान से टकराएंगे। जुल्मों के आगे कभी ना सर झुकाएंगे, ओ आंधी से खेलेंगे तूफान से टकराएंगे। जान भी जाए तो अपना धर्म निभाएंगे, सत्य की विजय को अपना कर्म बनाएंगे। धर्म कर्म सच्चाई के पथ पे सदा चले हम तुम, मैं हूँ कृष्णा तू अर्जुन, दोनों गाए प्यार की धुन। मैं हूँ कृष्णा तू अर्जुन, दोनों गाए प्यार की धुन। साथ हमारा छूटे ना रह संग संग हम और तुम, मैं हूँ कृष्णा तू अर्जुन, दोनों गाए प्यार की धुन। हो Krishna, Arjun, Sanjay, Mila ji, Manchu ke gaay, Krishna, Arjun, Sanjay, 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 Krishna, Arjun,